बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटर ड्रकर, देखिए बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट में। ये फादर तो नहीं है मैनेजमेंट का, लेकिन आजकल इसका नाम बहुत बड़ा है। इसका कोड है सम MD, याद कर लें। ऐसे क्या सेटिंग ऑब्जेक्टिव, देखें ये जो बॉस है ये ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, इनके एम्प्लॉइज के साथ मिलकर सेट कर रहा है। ये ना ये ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो थोप नहीं रहा है, बल्कि इनको लेके ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए आप दूसरा ओ से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, और वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, करना है ये। तो क्या हो गया ये, देखिए एस एस ओ हो गया, ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। और तीसरा क्या है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज में क्या है, वर्कर को ये क्रिएट कर रहा है सेल्फ एफिकेसी की पावर वर्कर में, कि तुम कर सकते हो। सेल्फ एफिकेसी माने तुम कर सकते हो। एम्पावरफुल एम्प्लॉयज यानी एम्प्लॉयज को सारे पावर्स देना, डेलीगेट करना, और एम्प्लॉयज की नीड समझना और उनको मोटिवेट करना उस हिसाब से। ये भी काम मैनेजर का है, मोटिवेट एम्प्लॉयज। फिर क्या है, SOME, स्टेब्लिश कम्युनिकेशन चैनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चैनल भी मैनेजर स्टेब्लिश करेगा। देखें सामने ये सारा चैनल स्टेब्लिश किया हुआ है। वर्कर्स के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप ना मैनेजमेंट के दरमियान और वर्कर के दरमियान, ना वर्कर का आपस में कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए, ना मैनेजमेंट और वर्कर का कम्युनिकेशन गैप हो, ये याद रखिए, गैप नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, मेजर परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस मेजर करेगा। तो ये सारे सितारे क्या है, इसके एम्प्लॉयज हैं, इन सबकी काम की ये देखिए मैनेजर क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है परफॉर्मेंस। कैसे करता है, डिफाइन एंड प्लान स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन है, अलाइन एंड एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, मेजर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस, और कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन। कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन मतलब है मजीद उससे बेहतर से बेहतर करना। तो ये तरीके हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, डिवेल्प ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को डिवेल्प करना है। अब डिवेल्प कैसे करेंगे, डिवेल्प करेंगे उसे टेम्पररी प्रमोशन देंगे, डिसीजन मेकिंग में उसको पार्ट बनाएंगे और उसको पावर डेलीगेट करेंगे। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज के अंदर डिवेल्पमेंट आएगी। ट्रेनिंग अलग चीज होती है, ट्रेनिंग में सिखाते हैं टेक्निकल चीजें, डेवलपमेंट में मैनेजर को ये चाहिए होता है कि एक और मैनेजर पैदा करना है, तो उसके अंदर एक अपने छोटे एम्प्लॉय के अंदर वो टैलेंट पैदा करता है, ताकि वो मैनेजर के स्किल्स आ जाएं उसके अंदर। तो इसे कहते हैं डेवलप। डेवलप अलग चीज है, ट्रेनिंग अलग चीज है, ठीक है ना। ट्रेनिंग में तो टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हैं, डेवलप में लीडरशिप सिखाई जाती है, कंट्रोल सिखाया जाता है, प्लानिंग सिखाई जाती है, ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग सिखाई जाती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।